गाइस अभी जा चुके हैं मानपुर और पटवा टोली में हैं, अभी देख सकते हैं। सो गाइस अभी हम मौजूद हैं गया के मानपुर में और मानपुर के पटवा टोली आए हुए हैं, जो कि अपने गमछा मेकिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो चलिए आज विजिट करते हैं पटवा टोली का कारखाना और आप देख सकते हैं इधर कितना बड़ा कारखाना है। जीएसटी भी जोड़िए लीजिएगा, बिना जीएसटी के माल नहीं बेचना है। और ये कैसा है ये वाला चौका? छोटा कैसा है? 84 रुपया। हाँ देख सकते हैं गाइस ये फैक्ट्री है पटवा टोली में। और सो गाइस आप ये जो पूरी यूनिट देख रहे हैं ये पटवा टोली का गमछा मेकिंग यूनिट है, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर सूत लगाई गई है अलग अलग कलर की, जो कि यहाँ पर रोल होती है और कपड़े का रूप धारण करती है, किस तरह से होता है। और बहुत ही पुराना फैक्ट्री है ये गया का, आप देख सकते हैं किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है गमछा का, कितना पुराना पुराना मशीन लगा हुआ है और कितना सारा मशीन लगा हुआ है, ये सारे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से गमछा का मैन्युफैक्चरिंग होता है। इस तरह के कई यूनिट पटवा टोली में मौजूद हैं, जो कि गया बाईपास से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के अंदर में गली में मौजूद है पूरा पटवा टोली। और कुछ इस तरह से बनाया जाता है इस कारखाने में गमछे को, और यहाँ पर रोल होता है, वहाँ से सूत आता है, सब का एक अलग अलग यूनिट है। और फिर यहाँ से गमछा तैयार होके देश नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। डाई भी होता है इसके साथ साथ, डिजिटली काम को किया जाता है। सूत का यहाँ पे ये है, सूत वहाँ से आता है चल के यहाँ पर, उसके बाद इस तरह से घूम के वहाँ पर ये बन जाता है। सो गाइस अगर आप भी पटवा टोली से लेना चाहते हैं गमछा बिल्कुल कम रेट पर, तो आपको सबसे पहले गया रेलवे स्टेशन आना होगा, वहाँ से आप सीधे चले आइए मानपुर, और मानपुर में ही छोटी छोटी सकरी गलियों में पटवा टोली स्थित है, और इन गलियों में आपको कारखाने मिल जाएंगे गमछा मेकिंग के, बेडशीट मेकिंग के, पर्दा मेकिंग के, और धोती लुंगी सारे चीज़ का यहाँ पर आपको कारखाना मिल जाएगा। सो गाइस अभी यहाँ के ओनर हमें पूरा बता रहे हैं प्रोसीजर कैसे कैसे तैयार होता है और किस तरह से ये लोग बनाते हैं, ये सारा तरीका बता रहे हैं। और इनका जो कंपनी है वो बहुत पुराना है, लगभग 25-30 साल पुराना है, और ये लोग पटवा नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इनको इस जगह का नाम पटवा टोली पड़ा है। और देख लीजिए किस तरह का यहाँ का सीन है। एक दिन में कितना गमछा बना लेते होंगे? एक मशीन पर चल जाता है लगभग, चलाने भी पर रहता है 10-12 चलता चलता है। अच्छा 15-60 गमछा होता है। सो गाइस जैसा कि अभी यहाँ के ओनर ने हमें बताया कि एक दिन में लगभग 15 चौका ये लोग बना लेते हैं। चौका का मतलब हुआ 4 पीस, यानी कि 15 चौके 60 पीस एक मशीन से यहाँ पर तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो आंकड़ा है ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी पे और यहाँ का जो वर्किंग आवर है उस पर पूरी तरह से। सो गाइस एज यू कैन सी कितना आवाज़ आ रहा है, देख लीजिए हर घर में यहाँ पर आपको इस तरह का मशीन दिख जाएगा, और आवाज़ कितना आ रहा है देखिए, वहाँ भी कुछ मशीन चल रहा है घर में, देख सकते हैं आप।
उसके बाद ये पूरा पटवा टोली है और यहाँ पर आपको इसी तरह का आवाज़ हर घर से आएगा। बेडशीट के साथ साथ यहाँ पर आपका गमछा, चादर वगैरह भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पे गाइज हम एक दूसरे कारखाने में आ गए हैं और यहाँ पर अलग अलग कलर का सूत लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन, येलो, वाइट, हर तरह का सूत लगा हुआ है। और ये सूत जब मशीन में जाता है तो ये कपड़ा का रूप ले लेता है और फिर गमछा का रूप दिया जाता है उसमें। सो गाइज आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरती से यहाँ का मशीन वर्क कर रहा है और गमछा तैयार कर रहा है। सो गाइज ये जो है ये फैक्ट्री आउटलेट है, यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कितने कलर्स में और कितने डिजाइंस में आपको यहाँ पर गमछे मिल जाएंगे बिल्कुल सस्ते रेट पर, यानी कि ऐसा चीपेस्ट रेट आपको पूरे इंडिया में नहीं देने वाला है। तो आप भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर आइए और एक बार ज़रूर विजिट कीजिए।